कहानी वेद पुराणों की, मनोरंजक कहानियाँ, जीवन को राह दिखलाने वाली कहानियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक हर पक्ष को छूती हैं कहानियाँ। तो इन्हीं कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ, यानी आरजे गीता सुमन, शो कथालोक में, हर मंगलवार शाम 7 से 8 और हर बुधवार दोपहर 2 से 3। तो सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। दो अंधों की कथा सुनो, इस पर इनका ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आरजे गीता सुमन। हर मंगलवार की तरह आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष, लेकर आ गई हूँ आपका मनपसंद शो कथालोक, जिसमें हम सुनाते हैं आपको प्यारी प्यारी कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन भी हमेशा की तरह कुछ खास है। नहीं नहीं, बाकी दिन की अपेक्षा कुछ अलग है, कुछ खास है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंगलवार है और हिंदू धर्म के मुताबिक मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। मतलब जिनकी श्रद्धा हनुमान जी में ज्यादा होती है, वो आज के दिन उपवास व्रत करते हैं और हनुमान जी के मंदिर जाकर आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आज के शो में हम जिन कथाओं को आपके लिए लेकर आए हैं, वो हनुमान जी की ही हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज की कथाओं का लुत्फ उठाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, रामायण में बार बार कहा गया है कि भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम से भी बड़ा है। इस बात को सिद्ध किया है राम सेतु का निर्माण करते समय पत्थरों पर राम नाम लिखने से, और इसे साबित किया है हनुमान जी ने ही। दोस्तों हनुमान जी ने ही पत्थरों पर राम नाम लिखा और उसे समुद्र में तैराया, तभी राम सेतु का निर्माण हुआ। जब उसी पत्थर को राम जी ने स्वयं डाला पानी समुद्र में, तो वो डूब गया बल्कि तैरा नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। इसी पर आधारित हम एक और कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बड़ी ही रोचक है। एक बार भगवान श्री राम ने दरबार सजाया था, देश विदेश के राजाओं को बुलाया था, उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि शामिल हुए थे। जिस द्वार से राजा महाराजाओं का प्रवेश हो रहा था, उसी द्वार पर नारद जी आन विराजे। उन्होंने एक लीला सजाई। दोस्तों उन्होंने एक राजा को रोका और उसका सम्मान करके बोला, आप अंदर जा रहे हैं, प्रभु श्री राम को शीश नवाइएगा, सभी ऋषि मुनियों का सम्मान कीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखना, विश्वामित्र का सम्मान बिल्कुल मत करना, उनके चरण मत छूना। राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र का सम्मान न करने का कारण पूछा, तो नारद जी ने राजा से कहा कि ऋषि विश्वामित्र भी क्षत्रिय हैं, तुम भी क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता है। ये तो सभी जानते हैं कि एक बार नारद जी की जो बात मान ले वो कहां बच सकता है। राजा बेचारा आ गया नारद जी की बातों में। उसने भगवान के दरबार में जाकर सबको प्रणाम किया और जानबूझकर विश्वामित्र जी के आगे सर नहीं झुकाया। विश्वामित्र क्रोध में भरकर राम जी से बोले, राम तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ, राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया, मैं चाहता हूं
कल सूरज छिपने से पहले इसे मृत्युदंड देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ। राम जी बोले, गुरुदेव, अभी अभी 14 वर्ष का वनवास भोगकर आया हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजा की जान पर बनाई, वो भागा भागा नारद जी के पास आया। जब भगवान श्री राम ने राजा को मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा की, तो वो नारद जी के पास आया और कहा कि देव ऋषि नारद, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान श्री राम ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हो गए हैं। कल सूरज छिपने से पहले मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नारद जी बोले, अरे राजा, घबराता क्यों है? कल तो बहुत दूर है, आज ही क्यों मरता है? तो चिंता मत कर, तुम हनुमान जी के घर जाओ, अंजनी माँ को शीश नवाना और उनको सारी बात बताना, वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगी। राजा ने अंजनी मैया से रक्षा की याचना की, तो अंजनी मैया ने उससे कहा, बेटा तुम बाहर बैठो, अभी मेरा लाल हनुमान आएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए, माँ के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन कराया और भोजन के बाद बोली, हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हनुमान जी गदगद होकर बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मैं रोज सोचता था माँ मुझसे कुछ मांगे मांगे। मांगो माँ, जल्दी मांगो। माँ अंजनी ने हनुमान जी को बताया कि एक राजा ने हमारी शरण ली है, उसे किसी ने कल सूरज छिपने से पहले मारने की प्रतिज्ञा दी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी रक्षा करो। माँ अंजनी ने कहा, मेरे वचन की रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हें राजा की रक्षा करनी ही होगी। माँ की बात सुनकर हनुमान जी खूब हंसे। बस मैया, इतनी सी बात? मैं तुम्हारे चरण छूकर भगवान राम की सौगंध खाता हूँ कि उस राजा का बाल भी मां का नहीं होगा। जरा देखिए विधि की कैसे विडंबना है। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि सूरज छिपने से पहले मृत्युदंड दूंगा, इधर हनुमान ने प्रतिज्ञा कर ली कि राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी ने माँ से पूछा, मैया, वो राजा है कहाँ? माँ ने कहा, मंदिर के पिछवाड़े बैठा है। हनुमान जी आए, राजा सहमा सहमा उनके चरणों में गिरा। चरणों में गिरे हुए राजा से कहा, जिसने तुम्हारे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है, हमें उसका नाम तो बताओ। राजा ने कहा, नहीं महाराज, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। हनुमान जी बोले, नाम नहीं बताओगे तो रक्षा कैसे होगी? राजा बोला, महाराज, नाम सुनकर कहीं आप अपनी प्रतिज्ञा न भूल जाए। हनुमान जी खिलखिलाकर हंसे, अरे भोले, तू नहीं जानता, मैं उस राम का सेवक हूँ जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा बोला, तो सुनिए महाराज। राजा ने हनुमान जी से कहा कि भगवान श्री राम ने ही मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है, कल सुबह सूरज छिपने से पहले वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। ये सुनकर हनुमान जी थरथर कांपने लगे। वो सोचने लगे, अरे राजा, ये तूने क्या किया? मैं तो उनका भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, उनके साथ कैसे युद्ध करूँगा? हनुमान जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हनुमान जी राजा से बोले, राजा, तूने किस संकट में डाल दिया मुझे? राजा बोला, परंतु आपने माँ के चरण छूकर प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यही चिंता तो खाए जा रही है कि मैंने माँ के चरण छुए हैं और राम जी की सौगंध खाई है, अब ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? अच्छा राजा, अब तुम जाओ, सरयू तट पर जाओ, रात भर राम का नाम सुमिरन करो,
मैं समय से पहले आ जाऊंगा। राजा बोला, देखना महाराज, कहीं मेरे प्राण पखेरु ना उड़ जाए। हनुमान जी बोले, चिंता त्यागो, चिंतन करो, चिंता चिंतन से जाएगी। हनुमान जी सारी रात सोए नहीं, चिंतन में लग गए हनुमान जी के जीवन का। इससे बड़ा धर्म संकट और क्या होगा कि एक तरफ श्री राम की पावन भक्ति है और दूसरी ओर राजा के प्राण रक्षा के लिए माता अंजनी को दिया हुआ वचन। वो बैठ गए प्रभु राम का चिंतन करने। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन, राम जी किसको व्यथा सुनाऊं, तेरा द्वारा छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन, राम जी किसको व्यथा सुनाऊं, मोहे सूझे ना कोई द्वार, मोहे सूझे ना कोई द्वार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं, मैं ये क्या खेल रचाया, ओ, संकट मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं, मैं ये क्या खेल रचाया, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। भगवान में अंतर, अंतर्यामी क्या है, मेरी
आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। भक्त और भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। होगी दोनों की ही हार, होगी दोनों की ही हार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका हसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो, प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो। राम जी मेरी पार करो, राम जी पार करो, राम जी पार करो। नित्य प्रति की भांति प्रातः भारी मन के साथ हनुमान जी राम जी के पास पहुँचे। चरण सेवा करते करते कहने लगे, प्रभु जी, जी चाहता है आज आपसे कुछ मांगो। ये सुनते ही राम जी खड़े हो गए। मांगो हनुमान, मांगो, मैं जीवन भर सोचता रहा हूँ, मेरा हनुमान मुझसे कुछ नहीं मांगता। मांगो, मैं दूंगा, जल्दी मांगो। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने राजा के प्राण मांग लिए तो ये दे देंगे, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डालेंगे। वो तो पहले ही कहते हैं अपना परम विसार भगत का पूरा परम निभाऊं। नहीं नहीं, मैं राम जी से नहीं मांगूंगा, उनकी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। राम जी ने कहा, मांगो हनुमान, चुप क्यों हो गए, मांगो ना, मांगो, किस सोच में पड़ गए हो। हनुमान जी ने कहा, आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए भगवान। राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात। हनुमान जी बोले, कभी आपके चरणों से दूर नहीं हुआ हूं ना, इसीलिए संकोच में पड़ गया था। राम जी ने कहा, जाओ, मुझे भी आज एक राजा को मुक्ति देनी है। हनुमान जी ने मन में विचार किया, मुझे भी तो उसी राजा की रक्षा करनी है। हनुमान जी सीधा वहां से सरयू तट गए, जहां पर राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी को आते देखते ही वो प्रसन्न हो गया और उनके चरणों में शीश नवाकर उसने कहा, धन्य धन्य हनुमान जी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मुझे मृत्यु दंड से बचा लिया। हनुमान जी ने कहा, राजा तुमने बहुत बड़े संकट में डाल दिया है मुझे। अभी अभी राम जी घोड़े पर सवार रामबाण लेकर आ रहे हैं, वो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। चिंता मत कर, मैं भी रामबाण लाया हूँ। राजा कहने लगा, तब मैं बैठ जाऊं? हनुमान जी बोले, नहीं रे पगले, मैं उनके सामने इस शरीर को लेकर कैसे आ सकता हूँ? ये लो खड़ताल, मैं तुम्हारी पीठ के पीछे छोटा सा रूप लेकर छुप जाऊंगा, जब वो आए तो तुम ये बाण चलाना। हनुमान जी ने राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। उधर भगवान राम आए तो ये राजा नाच नाच कर गाने लगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता।
हनुमान जी के मंत्र को राजा नाच नाच कर गा रहा था। इसे देख भगवान श्री राम बहुत ही चकित हुए और वो सोचने लगे, अरे ये क्या अन्याय कर रहा हूँ मैं, ये तो मेरा परम भक्त है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। राम ने धनुष बाण नीचे कर लिए, लौट आए महलों को। गुरु विश्वामित्र ने पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को? राम जी बोले, वो तो भगवान सुमिरन कर रहा है, उसे कैसे मारूंगा गुरुदेव। अच्छी बात है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। राम जी ने चरण पकड़ लिए, नहीं राज ऋषि नहीं, अभी सूरज छुपने में बहुत समय पड़ा है, मैं अभी शक्ति बाण लेकर जाता हूँ, उसे मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इधर हनुमान जी ने राजा को शक्ति बाण दिया और कहा, देख वो भगवान राम आ रहे हैं, अब तू नाच और गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। ये सुनकर राम जी घबराए, अरे ये तो सीता का भक्त बन गया, इस पर शक्ति बाण कैसे चलाऊं, इसे मारना उचित नहीं है। राम जी वापस लौटे, विश्वामित्र आग बबूला हो गए, राम जी से धनुष छीन लिया और बोले, तुम भूल गए हो राम, मैंने ही तुम्हें धनुष बाण चलाना सिखाया है, अब मैं ही उस राजा को यमलोक पहुंचाऊंगा। राम जी उनके चरणों में गिर पड़े, नहीं गुरुदेव नहीं, इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं प्रलय बाण लेकर जाऊंगा। उधर हनुमान जी ने राजा को सूचना दी, अरे राजा तेरे कारण प्रभु प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, परंतु चिंता मत कर, इस बार मैं स्वयं उनके सामने आता हूँ, तू नाच नाच कर गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, 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 जय जय हनुमान। ये देखकर तो राम जी को पसीना आ गया, अरे ये तो मेरे परम भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया, इसे मार दिया तो हनुमान जी क्या कहेंगे। राम जी, मेरा एक ही तो भक्त बना था, आपने उसे भी मार दिया, इसे नहीं मारूंगा। फिर जब विश्वामित्र का ध्यान आया तो धनुष उठा लिया। राम जी दुविधा में फंसे हुए हैं। विचार करने की बात है, अयोध्यापति इधर से उधर दौड़ते फिर रहे हैं, तो क्या अयोध्या के ऋषि मुनि मंत्रीगण चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई और नारद जी कहने लगे, विश्वामित्र को समझाओ कि राज ऋषि, आपके प्रभु श्री राम इस समय संकट में हैं। सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है, राम के सामने नाम खड़ा हो गया है, राम जी में वो बल नहीं है जो अपने नाम को जीत सके, राम में वो शक्ति नहीं है जो अपने नाम के सामने डट सके, आपके परम शिष्य राम की हार होने वाली है, कृपा करके उसकी रक्षा करें, अपना वचन वापस लेकर राम जी को बचा लें। विश्वामित्र मान गए, सब ऋषि मुनि सरयू के तट पर आए। विश्वामित्र ने दूर से ही आवाज लगाई, राम ठहर जाओ, उतार दो बाण धनुष पर से,
मैंने राजा को क्षमा कर दिया है, आप भी क्षमा कर दीजिए। राम जी ने घोड़े से उतरकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और भगवान श्री राम जी के चरणों में शीश नवाया, साथ ही राम नाम का जयकारा लगाने लगे। सारी जनता भी, देवगण और ऋषि मुनि भी राम नाम के साथ हनुमान जी का जयकारा लगाने लगे। जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। बोलो बजरंग बली की जय। तभी नारद जी सामने आए, उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो त्रेता युग बीत रहा है, सबको आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु एक समय आएगा जब कलयुग में कोई भाग्यशाली आपके दर्शन कर पाएगा। मैंने हनुमान जी के द्वारा आपसे बलशाली आपके नाम की महिमा दर्शाई है। क्षमा करना प्रभु, यदि मैं ये कह दूं तो भी सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम। दोस्तों, रोज खेलो रोज जीतो कॉन्टेस्ट के तहत आप जीत सकते हैं आकर्षक प्राइजेस। आपको सिर्फ इतना करना है, अभी हम आपको एक कोड बताने जा रहे हैं। ये कोड आप हमें या तो रेडियो उड़ान स्काइप आईडी पर चैट कर सकते हैं या फिर एसएमएस कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 9463668196। आज का कोड है 668800। एक बार फिर बता दें 668800। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आइए अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी और भगवान श्री राम जी का संबंध भगवान और भक्त का है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों का एक और संबंध है, वो है भाई का संबंध। अब हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो यही बताती है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच का संबंध भाई का कैसे हो सकता है। हनुमान जी के भक्तों, आपने रामायण में राम जी के मुख से बार बार ये सुना होगा कि हनुमान जी तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हो, भरत समान भाई हो, लखन समान भैया हो। भक्तगण सोचते होंगे कि राम जी हनुमान जी को भाई कैसे मानते हैं। तो आइए हम आपको एक कल्प की रोचक कथा सुनाते हैं। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी ने अनेक वर्षों तक शंकर जी का तप किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब अंजनी माँ ने परम भक्त और बलशाली बेटे की इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया और कहा, तुम प्रातः अंजलि देने की मुद्रा में सूर्य देव के सामने खड़ी हो जाना। जब कोई पंछी तुम्हारी अंजलि में चरु गिरा जाए उसे खा लेना, उसी से तुम्हारे तेजस्वी और बलशाली बेटा होगा। उधर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रचाया, जिसमें स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु दे दिया, जो कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों रानियों में बांट दिया गया। परंतु केकई के हाथ से वो चरु एक चील ले उड़ी। कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा केकई को दे दिया, जिससे भरत जी का जन्म हुआ। चील ने वही चरु अंजनी माँ की अंजलि में डाल दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के भाई माने जाते हैं। ये माँ अंजनी का लाला है देव बड़ा बलवाला। ये माँ अंजनी का लाला है देव बड़ा बलवाला। और न कोई कर पाया जो वो इसने कर डाला रे। ये माँ अंजनी का लाला है देव बड़ा बलवाला। ये माँ अंजनी का लाला है देव बड़ा बलवाला।
समंदर पार किया, उड़ के समंदर पार किया, सारी उजाड़ी ओ, सारी उजाड़ी अशोक वाटिका, अक्षय कुमार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आरजे गीता सुमन। शो सुन रहे हैं आप कथालोक, जिसमें आज हम आपको हनुमान जी की कथाएं सुना रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं मंगलवार व्रत कथा। जी हाँ, हमारे जो दोस्त हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं और मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं, और उसके पीछे की क्या कथा है जिसके कारण मंगलवार का व्रत रखा जाता है, आइए दोस्तों सुनते हैं यही कथा, मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 88,000 शौनक आदि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथाएं हमें सुनाई है, अब कृपा करके कलिकाल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए
सरल प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार में श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फल स्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्यों की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाएं जो कलि काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उनके दुखों का सबसे बड़ा एक कारण निसंतान होना था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी। वो नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग ना लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो अत्यंत दुखी हुई और उसे तत्पश्चात कि आज पूजन व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम पालन नहीं हो सका, अतएव उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वो दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती पर स्वयं भोजन नहीं किया करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, अतएव कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसे कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्रह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया तो वो कन्या प्राप्ति के वरदान से कुछ दुखी तो हुआ, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात से वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्रह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार कराया। पुरोहित ने जन नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वो ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्राकृतिक की विकास गति के अनुसार कन्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अतएव उसने पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री सवर्णा का विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सब दानों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो सवर्णा केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषिद्ध है। रजस्वला का दर्शन कर ये नर्क और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं, अतएव सवर्णा की आयु शास्त्रोक्त विवाह के योग्य है, ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर दें।
पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैं कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिल गया। वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मणत्व से संपन्न था। नंदा ने जाकर स्वयं अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया। किंतु शीघ्र ही नंदा की मना स्थिति बदल गई। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वो विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर ही चुका, कल प्रातः ही यह अपने पति गृह स्थान प्रस्थान करेगी। इस प्रकार अब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब यह स्वर्ण इसके पति अर्थात जमाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषणों आदि में व्यय हो गया। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भूल की है। अब एकमात्र ये उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार पतिगृह जाने से रोककर अपने ही घर रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या सवर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज भी मेरी निंदा नहीं करेगा और सवर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होते रहेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जमाता तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्न चित्त सभी स्वजनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी सवर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग से जाकर जमाता की हत्या करने के उद्देश्य में छिप जाता है। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जमाता सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करते हुए पुत्री सवर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा से कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अतएव तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पिता के कपट नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर सवर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति भी इन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या सवर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वो विचारने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध किया। मेरा धन प्राप्ति का अभीष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और ग्लानी के वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगता है। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर सवर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, हे सवर्णा, तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव तू मन वांछित वर मांग। मंगल देव को प्रकट देखकर सवर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, फिर विनम्र होकर बोली, हे हनुमान जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनर्जीवन दान देकर मेरा यह लोक तथा परलोक सार्थक करें। श्री हनुमान जी ने एवं अस्तु कहा और बोले, सवर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महान विद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहो तो मांग ले। सवर्णा बोली, हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी श्री हनुमान जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान भी देने की कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे वो सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कदापि न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। हनुमान जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। सवर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले हनुमान जी का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए
पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो बजरंगबली की जय। दरबार है सच्चे मन से जो कोई भावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है महावीर का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई भावे उसका बेड़ा पार है। का जन्म वीर ने पाया है जन्म वीर ने पाया है मंगल का जन्म वीर ने पाया है जन्म वीर ने पाया है। लाल लंगोट गदा हाथ में सिर पर मुकुट सजाया है सिर पर मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है महावीर का वार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। शिव शंकर ने वानर का रूप धारिया है वानर का रूप धारिया है रामकाज शिव शंकर ने वानर का रूप धारिया है वानर का रूप धारिया है। लीला अपरंपार है महावीर का वार है सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। उसका बेड़ा पार है आज मंगलवार।
शार कुमार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। अपार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान, जिस पर आप शो सुन रहे हैं कथालोक, जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं हनुमान जी की कथाएं। अभी आपने सुनी मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार की ही एक और व्रत कथा है जो बहुत प्रचलित है। आइए दोस्तों, मंगलवार व्रत कथा पर आधारित अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। मंगलवार व्रत की विधि। सर्व सुख, राज सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ है। इसे 21 सप्ताह लगातार करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्ठान से हनुमान जी का पूजन करें। लाल वस्त्र धारण करें। कथा पढ़ने सुनने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक तथा बजरंग बाण का पाठ करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहां वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद
स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वो अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। एक प्रसन्न चित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार की व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए ऐसी बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण ये सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख प्राप्त। शो समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी। आपको शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudaan.com। आप हमें स्काइप पर चैट करके भी अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIO UDAAN। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudaan.com पर। मिलती हूँ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय पर और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुझे यानी आरजे गीता सुमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी वेद पुराणों की, मनोरंजक कहानियाँ, जीवन को राह दिखलाने वाली कहानियाँ, आए हम धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक और राजनैतिक हर पक्ष को छूती हैं कहानियाँ, अपने संग तो इन्हीं कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ यानी आरजे गीता सुमन शो कथालोक में। हर मंगलवार शाम 7 से 8 और हर बुधवार दोपहर 2 से 3 तो सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कहानी